डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड चैप्टर ऑफ सेवन्थ यूनिट और ये है हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स का मतलब क्या है कि जब कोई फ्लूइड चलना शुरू कर देता है, मोशन में है, उस सिचुएशन में उसकी जो प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। जिस ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम एक मूविंग या मोशन में अगर कोई फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टीज को जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज हाइड्रोडायनामिक्स। तो हाइड्रो मीन्स जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है वाटर से, और डायनामिक्स मतलब स्टैटिक डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई मटेरियल या कोई बुल्क कुछ भी चीज़ है, लिक्विड है या सॉलिड है, अगर वो चल रहा है, मोशन में है, तो उस टाइम पे उसको स्टैटिक्स, वो डायनामिक्स बन जाता है। तो अब यहाँ पे अब अगर एक फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ये फ्लूइड ऐसे है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो फ्लूइड के केस में क्या होता है, जब ये ऊपर वाला सरफेस चलेगा, जैसे फ्लूइड की ये लेयर्स हैं, ऊपर वाली लेयर जब चलेगी नीचे वाली लेयर उसको रसिस्ट करेगी, इससे नीचे वाली लेयर को इससे नीचे वाली लेयर रसिस्ट करेगी, इससे नीचे वाली को इससे नीचे, तो सबसे नीचे वाली लेयर को ये जो स्टेशनरी एक सरफेस है ये रसिस्ट करेगा। तो ये सरफेस इस लेयर को रोकना चाहेगा, ये इसको रोकना चाहेगा, ये ऊपर वाली को रोकना चाहेगा, और जो बिल्कुल इसके पास में है, जो इस सरफेस के पास में है, वो तो बिल्कुल स्टेशनरी लेयर बन जाएगी। तो जितना हम नीचे की तरफ जाएंगे उतनी ही वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, और जो लेयर विच इज जस्ट एडजेसेंट टू दिस सरफेस दैट विल बी स्टेशनरी लेयर। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट नहीं होती है लिक्विड की। सबसे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और जो सरफेस के कांटेक्ट में होता है उसकी मिनिमम, और वो जीरो के बराबर होती है। तो फ्लूइड की जो लेयर्स हैं वो भी अपने से एडजेसेंट लेयर्स के मोशन को या फ्लो को रसिस्ट करती हैं। तो जैसे ये सेम चीज़ हमने सीखी है कि इफ़ देयर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज और सरफेसिस, वन अपोजिंग फोर्स एक्ट बिटवीन देम विच इज नोन एज रजिस्टेंस। तो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में भी रजिस्टेंस होता है और उसका एक स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द इंटरनल रजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड, दिस इज नोन एज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अब ये कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी कम है या ज़्यादा है उसके बारे में कैसे जानेंगे, तो उसके लिए एक पैरामीटर बनाया गया है जिसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, जो हमारे को बताता है कि इस फ्लूइड की विस्कोसिटी कम या ज़्यादा होने का ये मतलब है कि इस फ्लूइड की लेयर्स एक दूसरे का ज़्यादा अपोज करेंगी या कम अपोज करेंगी। तो ये कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी जो है, इट इज़ रेशियो ऑफ सीयरिंग स्ट्रेस टू द सीयरिंग स्ट्रेन। तो ये सॉरी स्ट्रेन रेट। तो ये जो सीयरिंग स्ट्रेस, सीयरिंग का मतलब हम सीख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, इधर जो ऐसे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो सीयर फोर्स लगेगा और उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसको बोलते हैं सीयरिंग स्ट्रेन। तो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज सीयरिंग स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रेट। अब सीयरिंग स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, सीयरिंग स्ट्रेस तो बड़ा सिंपल है, जो आपने टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उस फोर्स से डिवाइड कर दो एरिया को, तो वो आ जाएगा सीयरिंग स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन रेट कैसे निकालेंगे, स्ट्रेन रेट निकालने का मतलब है कि चेंज इन सीयर स्ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो सीयरिंग स्ट्रेस की जगह तो हम लिख देंगे एफ वाई ए, लेकिन स्ट्रेन रेट की जगह हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट का मतलब क्या है, स्ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम, कितनी स्ट्रेन आई या चेंज कितना हुआ स्ट्रेन में
और डिवाइडेड बाई टाइम, तो सीयरिंग स्ट्रेन डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल दैट विल बिकम स्ट्रेन रेट. सीयरिंग स्ट्रेन डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल. अब देखो, मान लिया एक ऐसा सरफेस था सीधा, उसके ऊपर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और वो ऐसे टिल्ट हो गया, तो ये इसका थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सीयरिंग स्ट्रेन. और इसको हम कैसे निकालते हैं, ये जो टिल्ट हुआ है, मान लिया ये डेल्टा एक्स या डेल्टा एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो डेल्टा एक्स इतना टिल्ट हुआ और इसकी ओरिजिनल ये लेंथ जो है मान लिया एल है, तो ये थीटा निकालना होता है एक्चुअल में. स्ट्रेन का मतलब, सीयरिंग स्ट्रेन का मतलब थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई एल और डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल डेल्टा टी. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा एक्स बाई एल इंटू डेल्टा टी. तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, ये कितना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एल ओरिजिनल लेंथ. तो स्ट्रेन रेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई एल. तो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी क्या बन गया यहाँ से, एफ एल डिवाइडेड बाई वी ए, दिस इज द कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, एफ एल डिवाइडेड बाई वी ए. अब यहाँ से कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो यहाँ से V बाई एल का मतलब क्या है, V बाई एल का मतलब है नीचे से जितना हम ऊपर जाते जाएंगे वेलोसिटी का ग्रेडियंट क्या है. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, F डिवाइडेड बाई V बाई एल इंटू में A. V बाई एल क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, कि वेलोसिटी नीचे से ऊपर जब आप जाओगे तो कितनी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ. तो ये कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि अगर एरिया वन है और कोफिशियंट ऑफ सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट वी बाई एल वन है, तो उस सिचुएशन में इफ एरिया इज वन एंड वेलोसिटी कोफिशियंट इज वन, तो उस सिचुएशन में कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी किसके बराबर बन जाएगा, फोर्स के बराबर बन जाएगा. तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द टेंजेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स ऑफ लिक्विड ईच ऑफ एरिया यूनिटी. तो ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, या आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो. अब ये जो विस्कोसिटी है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पॉइज़ली, पी एल से डिनोट करते हैं. पॉइज़ली नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में बताया था. तो वन पॉइज़ली अगर डिफाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड विल बी नोन एज वन पॉइज़ली इफ वन न्यूटन टेंजेंशियल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ वन मीटर पर सेकेंड पर मीटर बिटवीन टू पैरेलल लेयर ऑफ लिक्विड ईच ऑफ एरिया वन स्क्वायर मीटर. तो ये वन पॉइज़ली कब बनेगा, अगर टेंजेंशियल फोर्स वन न्यूटन रिक्वायर्ड है, क्या करने के लिए, फॉर मेंटेनिंग द वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ वन मीटर पर सेकेंड पर मीटर बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड ऑफ ईच विच हैव क्रॉस सेक्शनल एरिया वन मीटर स्क्वेयर. तो उस लिक्विड की विस्कोसिटी को हम क्या बोलेंगे, वन पॉइज़ली. अब नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ. स्टोक्स ला, ये स्टोक्स ला का क्या मतलब है, स्टोक्स ने ये बात बताई थी कि जो ये जो विस्कस ड्रैग है, जो दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगता है फ्रिक्शनल फोर्स,
ये डिपेंड करता है एक तो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी पे, एक उन दोनों के बीच वेलोसिटी कितनी है, और तीसरा वो जो कोई भी बॉडी जो है उसकी अगर हम एक जर्नल शेप स्फेरिकल बॉडी मान लें, उस बॉडी को अगर आप किसी लिक्विड के अंदर डालते हो और उसके ऊपर अगर वो ड्रैग फोर्स लगता है तो फिर उसकी खुद की डायमेंशन या उसकी रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, फॉर एग्जांपल देयर इज ए लिक्विड, इस लिक्विड के अंदर अगर आप किसी स्फेरिकल बॉडी को डाल दोगे मान लिया, तो ये लिक्विड इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगाएगा और ये जो ड्रैग फोर्स है इट डिपेंड अपॉन दी थ्री फैक्टर्स। एक तो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है इस लिक्विड की, दूसरा ये जो स्फीयर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कहीं पे भी जो इसकी वेलोसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और तीसरा ये रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसकी रेडियस क्या है। तो यहाँ से हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं इसको कि फोर्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट विस्कोसिटी की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी और रेडियस की पावर सी। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन एल टी माइनस टू, एम वन एल वन टी माइनस टू, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तो एक कॉन्स्टेंट है। विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, अभी मैंने विस्कोसिटी का फार्मूला आपको बता दिया था, वहाँ से डायमेंशनल फार्मूला आप खुद बना लेना, वो बनेगा एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन, एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन और उसकी पावर ए। वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड एल टी माइनस वन, इसकी पावर बी और ये एल की पावर सी। तो जब इसको इक्वेट करेंगे आप, सबसे पहले ये के तो एज इट इज, एम की पावर क्या बन जाएगा ए बस, एल की पावर क्या बन जाएगा, ये तो बन गया माइनस ए, ये प्लस का बी और ये प्लस का सी। सेम एज इट इज़ यहाँ पे टी की पावर क्या बन जाएगा, माइनस का ए माइनस का बी और इधर एम वन एल वन टी माइनस टू। तो एम की पावर को जब इक्वेट करोगे ए इज इक्वल टू वन आ गया, एल की पावर्स को जब इक्वेट करोगे माइनस का ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन आ गया, और यहाँ से टी की पावर को जब इक्वेट करोगे माइनस का ए माइनस का बी इज इक्वल टू माइनस का टू आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, ए प्लस बी इज इक्वल टू टू आ गया। ए की वैल्यू अगर वन है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू जब रखेंगे थर्ड इक्वेशन में इधर से ए इज इक्वल टू जब वन रखेंगे तो बी की वैल्यू टू माइनस वन वन आ जाएगी। तो दो वैल्यू आ गई, तीसरी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ए की जगह रख दिया माइनस वन, बी की जगह रख दिया प्लस वन, प्लस में सी इज इक्वल टू वन, तो वन से वन कट गया, सी की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई। तो यहां से ए बी और सी तीनों की वैल्यू वन आ गई। इसका मतलब क्या है कि दिस फोर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन विस्कोसिटी वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। तो दिस फोर्स के विस्कोसिटी वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, और ये के जो है इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली इक्वल टू सिक्स पाई, तो सिक्स पाई न्यू वी आर, दिस इज नोन एज स्टोक्स लॉ। तो आज यहीं तक करते हैं, इसे आगे फिर कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।